हेलो भाइयों, आकाश पवार एंड अरुण पवार इज हेयर। सो भाई, मारुति की एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी आई है इनकी ग्लोबल एनकैप की तरफ से। 5-स्टार फ्रॉम मारुति भाई, मैं वही, मेरे मन में भी वही आ रहा है यार। 5-स्टार फ्रॉम मारुति मतलब कि सेफेस्ट कार है। मतलब इतना तो नेक्सॉन वगैरह ये सब होती है सेफ भाई। इन्होंने ऐसी गाड़ी वाले क्या वो हवा बनाया करेंगे अपनी मार्केट में भाई। टाटा की यू ही तो चीज चले है कि सेफ गाड़ी है, सेफ गाड़ी है, सेफ गाड़ी है। अब बेचारे क्या करेंगे यार, वालों ने वो भी चीज छीन लिया है। शीट शीट शीट। अब यार मैं पता है अंदर से भरोसा नहीं रहा कि यार 5-स्टार रियलिटी पे मारुति डिजायर वो भी लेके आ सकते। पर अरुण देख, गाड़ी की ना बिल्ड क्वालिटी वैसे चल जाए ना, गेट वेटर ने ठोक ठाकने थे, हाथ हाथ लगाने थे, पुराना हो गया नहीं होता उससे भाई। पर अब ये है कि चलो, जो हम जैसे टैक्सी में जो बंदे जाया करेंगे वो सेफ रहा करेंगे टैक्सी। ओ भाई, ये तो तुमने कुछ अच्छी लाइन बोल दी टैक्सी वाली। तो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक अब सेफ रहेगी, इंडियंस की पॉपुलेशन अब स्थिर रहेगी, पहले बहुत घटती थी ना। अब ठीक है चलो। वाह भाई, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई टैक्सी वाली चीज। 3000 खड़ी पीछे पीली प्लेट, सारी डिजायर ही तो रहती है। पर प्राइवेट में तो कोई लेता ही नहीं डिजायर को, तो एक तरह से पीली प्लेट। तो भाई हम उसी गाड़ी के इवेंट में जा रहे हैं। आज न्यू डिजायर आ चुकी है भाई मार्केट में, नए इवेंट में हमको बुलाया उन्होंने। अब तक क्या रहता है कि बहुत बंदे टाइम से स्विफ्ट डिजायर हुआ करती थी, मतलब स्विफ्ट आगे से वो स्विफ्ट ही लगती थी, पीछे से पता चलता था डिजायर, चाहे सबसे पहली शेप हो या फिर जो नई वाली अभी है जो मिनी कूपर थी ये भी ऐसी करती थी। पर अब पूरा टोटली प्रोडक्ट चेंज कर दिया है। अब क्या डिजायर कर दिया, वो स्विफ्ट नहीं रही। स्विफ्ट तो पहले हटा दिया था, लेकिन पहले लुक सेम थी ना, बस डिग्गी निकल रही थी बाहर, पर अब टोटली चेंज कर दी। स्विफ्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पूरा कंप्लीट आगे पीछे साइड से पूरा चेंज है। पहले ऐसे नहीं रहता था, आगे से स्विफ्ट लगती थी, मान लो आगे से आ रही है, साइड से स्विफ्ट लगती थी, पीछे डिग्गी निकली रहती थी। जैसे ये वाली है, आगे तो स्विफ्ट लगेगी, पीछे तो डिजायर हो जाएगी। लेकिन अब क्या कर दिया, पूरी कंप्लीट एक नया प्रोडक्ट बना दिया उसको। चल के देखना ना। चलो भाई देखते हैं, चल के देखेंगे यार। मैंने तो फोटो वोटो ही देखे अभी तक, वहां में मैंने इतनी ज्यादा गौर करी। एरो सिटी में जा रहे हैं, दिल्ली। दिल्ली भाई, अभी दिल्ली के ऐसे ट्रैफिक में चला के आया हूँ, मेरा पाम बिल्कुल अरुण अकड़ गो। मतलब सीरियसली ऐसे लग रही है कि अब मैं गाड़ी में तो उतर के और यार थोड़ा सा खोल लूं, इतना ज्यादा मतलब अजीब से घुटने ग्रीस सी ऐसा एरी से खत्म से आएगी। और भाई एरो सिटी में बहुत ट्रैफिक, मतलब यहाँ पे दिल्ली वाले रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है। अब हम लोग एरो सिटी पहुंचने वाले हैं, इधर ही कहीं होगा है ना। ये नए नए होटल बन रहे लगे हैं भाई, ये तेरे बहन के कितने महंगे रहेंगे ये सब, है ना, अमीर लोगों के लिए। आपके लिए कुछ महंगा थोड़ी है, आप तो यार रिच हो यार। नहीं नहीं, फिर भी पर फिर भी एक्सट्रीम रिच की कह रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम वाले रिचो की। स्टेशन डिफरेंस, आई एम श्योर विद ऑल दोस डिटेल्स योर सेंसेस हैव बीन हाइटेंड एंड योर डिजायर। भाई अभी तो अंदर वही चल रहा है, इंट्रोडक्शन सब वही, और अभी से ही लोग मतलब ऐसे पागल हो रखे इस गाड़ी के पीछे एकदम आने के लिए। देखो कैसे, मतलब यहाँ पे भी शूट चल रहा है, बाहर गाड़ी खड़ी वहाँ भी शूट चल रहा है, नाश्ता मास्ता चल रहा है ना। लोग कितने मतलब वो क्वेश्चन आंसर और वो सभी नहीं सुनना चाहते, आ गए अभी शूट करने। हाँ जल्दी करके, हम भाई आराम से करते हैं, हमारा यही है, हम थोड़ा आराम से करेंगे टाइम लेके। उसकी जगह ओढ़नी है, वहाँ की ओढ़ना है। अच्छा नहीं, वो ज़्यादा बढ़िया था। वाह, रोटी भी तो काफ़ी सारी ले आया, ऑप्शनल वाली मेरे को तो कुछ मिली ही नहीं। इस कोड़ा जैसा तो खाना पीना नहीं है, बट हाँ भाई इंसान को जीवन में सिर्फ खाना बचता है, तो खाओ पियो मौज लो, और सारी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। जैसे काम चल रहा है, काम वाम तो होता रहेगा, खाने पर भी ध्यान देते रहना चाहिए ना। आपका वेज कैसा है अरुण? मैं कह रहा हूँ उसकी ओट नहीं, वो अलग ही था। मतलब मैं तो ऐसा हो रहा था इंडिया मतलब मुंबई और दिल्ली में फर्क आ जाता हो। वैरायटी भी तो वहाँ बहुत थी भाई, वहाँ बहुत वैरायटी थी, यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं है। मतलब नॉर्मल है, शादी ब्याह का से ऐसे खाना जैसे दिखाऊँ आपको। देखो मतलब हम तो साइड में आ रखे हैं, बस ये सही है। भाइयों, इट्स मैक्सिकन रैप काउंटर। मैं वहाँ पे गया था, उधर मैंने पूछा मैडम ये क्या है, तो उन्होंने बताया इट्स रैप काउंटर। तो इसको बड़ी शर्म आई, वहाँ पे भाग गया।
ये जितने भी वगैरह ये शूट वगैरह के होते हैं ना भाई, यहाँ इतने माथा पच्ची होती है, एक आदमी कम से कम 10-10, 15-15 शूट करता लगभग। हम लोगों को कितनी देर हो गई है, हम 12 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, 3 बज लिए जब से हम लोग वेट करें, चलो हो जाए हो जाए हो जाए, हम शांति से करेंगे। अदरवाइज ऐसा होता है एक गाड़ी पे 4-4 लोग शूट कर रहे हैं, जैसे वहाँ देखो कितने लोग शूट कर रहे हैं, उधर देखो कितने लोग शूट कर रहे हैं, ऐसे होता है। हमने कह लो थोड़ा टाइम दे देते हैं सब लोगों को कि भाई सब लोग कर लो, आफ्टर दैट वी विल डू, यहाँ पे सबका हो जाए उसके बाद में फिर हम करेंगे। क्योंकि उस दिन स्कोडा वाले इवेंट में भी सेम हुआ था कि हम लोगों ने एकदम एंड में किया था, तो वी आर वेटिंग कि सब कर ले फिर हम तसल्ली से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हमको तो 9 बजे वीडियो अपलोड करनी है, इनको थोड़ा जल्दी होती है ना, सब लोग जल्दी जल्दी शूट करते हैं, जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी व्यूज़ आएंगे, ये रीज़न होता है। चलो भाई ये देखो मारुति ने यहाँ पे एक्सरे कर दिया गाड़ी का, ये पूरा यहाँ पे स्केल्टन होगा, करना भाई थोड़ा स्लाइड करना है इसको, ये देखो ये पूरी गाड़ी बनी हुई है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती रही है। बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, वाह ये पूरा इंटरनल दिखेगा, जो आपको कुछ नहीं दिखता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे भाई अब शाम के टाइम में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं पेड़ वाला शूट कराने, भाई वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू गो। भाई 4:10 हो गए हमको, अरुण आ जाए यार, अब चल दे भाई। भाई यहाँ तो अरे यार ये दादा ये पेड़ वाले और यहाँ पर आ जाए, दादा हट जाऊँ, दादा मेरा शूट चल रहा है, मुंबई वाले दिख रहे हैं लगते हैं दादा। वाओ व्हाट अ रेस्टोरेंट, देख ये यहाँ पे अंदाज दिल्ली के अंदर हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे क्या बोली थी तुमने वो वैले पार्किंग, हाँ यहाँ पे गाड़ी आई, ये लोग जैसे यहाँ पे आए हैं अभी तो खुद से गाड़ी छोड़ो यहाँ पे और वो लेके चले जाओ। भाई 5-star एकदम ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत तगड़ा। और मैंने आज यहाँ पे एक अलग फैशन देखा है भाई, मतलब फैशन को ये होता क्या जा रहा है, लड़कों ने लोअर टी शर्ट के ऊपर ब्लेजर पहन रखा था, हैं तू कब ऐसा फैशन करके आएगा, तो ये देखो ये क्या सिंपल जींस पैंट शर्ट ये सब पहन के आ जाते हैं, अरे ऐसा कोई फैशन करना चाहिए। वाह मिनी कूपर, सो वो तो बोर्ड से ही जाते हैं इधर ऐसे बस खाना पीना, भाई तो यार मन बच्चा तो वीडियो बनाता रहता है, भीड़ इतनी ज्यादा, भीड़ साथ साथ आता है गाड़ी, अरे ये चीज कोड़ा की बढ़िया ही, वहाँ पे ऐसे था सिस्टम की भाई ले तुम अपनी वीडियो में कोई बर्दाश्त नहीं है, ऐसे कोई फालतू नाम से नाम घुसा है यार, देखने वाले की भी तो कोई वैल्यू है, हम मैं यार देखने वाला टाइम निकाल कर तो यू ही कहते तुम शूट कर रहे हो एकदम से आ जाएंगे, तुम शूट कर रहे हो एकदम से आ जाएंगे, यार ये भी ऐसे भी सही नहीं लगता, अपना 10-15 आधा घंटा प्रॉपर टाइम लो तुम। हमारी ये दोनों भाइयों की एक आदत है भाई, कोई शूट कर रहा होगा ना हम बीच में बिल्कुल नहीं जाते, चाहे हमें कुछ भी करना हो कुछ भी नहीं, हमने कहा भाई है या जो भी लेडी है बहन है जो भी है करते रहो भाई, हम नहीं आ रहे तुम्हारे बीच में। बट इसमें ऐसा होता है कि सब बीच में घुसते रहते हैं, मैंने दिखाया ना आपको एक ही गाड़ी पे 4-5 जने ऐसे भीड़ मची रहे करने के, सब इन हो रहा है जल्दी निपटो, और जब भी वही सब 3-4 घंटा लग जाए करने में, जब भी कहीं इतनी जल्दी ना हो, जल्दी से हमारी गाड़ी आ जाए और हम लोग उसमें बैठ के निकले, उसके बाद में अब बिग सरप्राइजेस कमिंग, मतलब जिसके लिए मैं इतना सुपर डुपर एक्साइटेड था ना, जिस चीज़ के लिए वो चीज़ भाई फाइनली हो रही है, जिसके लिए मैंने आप लोगों से बहुत कहा, बट किसी ने मेरी मदद कर दी, ठीक है तो कोई बात नहीं, अब मेरी गाड़ी आ रही है, अब मैं गाड़ी में बैठ कर मैं निकलूंगा अपने घर के लिए। याई के नीचे कर जा रहा होगा उसे एक बार एरोप्लेन से फंसो, ऊपर कर जाता है नीचे का थोड़ी पागल, ऊपर रनवे है ये, भाई मैंने कह रहा है ऊपर कर अभी कर बड़ो से जा रहा हूँ हवाई जहाज से, ओ तेरी बहन के रे यू कितना तगड़ा, वायरल तो हुआ था ये वाला सीन, हाँ बहुत तगड़ी चीज ही है तभी तो, अब छोड़े हैं फिर डैश है पूरे तो पूरा हाल तो होगा ही है ना। भाई अभी मैं अपने नए फोन से शूट कर रहा हूँ, कायरू पापा का न्यू फोन, हाय कर दो पप्पू, बापू कह रहेगा ये मुझे बापू, मैं इस पे बापू कहलवाऊंगा अच्छा रहेगा ना, आपको पप्पू कहलवाऊंगा पाप, और तोते न्यू मॉडर्नाइजेशन चच्चू अंकल कहेगा तोते तो कितना अच्छा लगेगा है ना, कैसे रो रो ही करके दिखा रहा है
सबको रोई रोई करके बहुत दिखाता है तू। चोरा तू यार नाम मत बिगाड़ भाई। उसका कैमरा 16 प्रो का रियल में काफी अच्छा है भाई, देखो कितनी की सही क्वालिटी आ रही है ना। अभी यार हमारी गाड़ी की चाबी और खो गई है किया सेल्टोस की। वाह ओजस ने कहाँ खो दी जन। बिटू आप तो ऐसे काम नहीं करोगे ना, यू आर गुड बॉय। नो 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 करूंगा नहीं। गाड़ी गायब कर देगा तू, कहा गाड़ी गायब हो जाएगी पापा। तब तक चलाना जब तक ये 12th तक ना हो जाए, 12th में ना हो जाए तेरे को, तब तक ये फोन चलाना है। ये फोन फिर इसको दे देना है 2 इयर्स के बाद में कि पापा मुझे दे दो। रिकॉर्ड बनाना है वर्ल्ड में 12 साल नॉन स्टॉप आईफोन यूज करने का। एक ही फोन हो रहा है भाई साहब। अपनी दादी पर जा, भाई ये 16 प्रो का साइज थोड़ा बड़ा है, जो नॉर्मल वाला 60 मेरा 12 प्रो था उससे बड़ा इसका साइज है। क्वालिटी देखो कितनी साफ आ रही है, देखो मैं आपको पूरा ऐसे दिखा देता हूँ एक बार, देखो बहुत सही क्वालिटी आ रही है। कलू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ ये तो है ही हैंडसम, रो है बहुत है। हाँ ठीक है रो ले तू। चलो भाई ये ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।